गाइस वेलकम बैक टू चैनल। 9 to 5 जॉब, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें घर से चल के जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन, और मैं अब हूँ कल्याण पब्लिक स्कूल के यहाँ पे, जिसे लोग्राम कहा जाता है। घर से रेलवे स्टेशन आधे घंटे दूरी पर है। रहता हूँ कल्याण ईस्ट में, सो ये पटरी क्रॉस करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे लोग्राम ब्रिज था। हेलो, अभी हूँ कल्याण रेलवे स्टेशन पे और हमें पकड़ने सीएसयू पे और उतरना है खाना ट्रेन पे, खाना स्टेशन। अभी हूँ नेहरू स्टेशन पर, एक्चुअली बेलापुर के लिए ट्रेन चेंज कर रहा हूँ। अब ये ट्रेन मुझे बेलापुर तक पहुंचाएगी। गाइस बाहर का मौसम देख सकते हो, कितना प्यारा हो चुका है। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ सीबीडी बेलापुर।
फिलहाल तो मुंबई में, नई मुंबई में बारिश हो रही है फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। सो गाइस, आईटी कंपनी में काम करता हूँ लेकिन वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी एक्चुअली मुझे नहीं है, लेकिन तभी भी ऑफिस जाने के लिए कैसे कैसे सफ़र करना पड़ता है मुंबई में आप देख चुके होंगे, बहुत सारा तकलीफ होता है मुंबई में एक्चुअली। पैसा काम करने का नहीं है, सफ़र करने का पैसा है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस के यहाँ पर। सो ऐसा कुछ एंट्रेंस है मेरा और यहाँ पे बैग चेकिंग होता है, यहाँ पे लिफ्ट है, आई थिंक लिफ्ट खराब है, सो चल के जाना पड़ेगा अभी। सो गाइस, अभी ऑफिस पहुँच चुका हूँ, थोड़ी देर के बाद आपसे बात करता हूँ। यह है मेरा ऑफिस का लॉकर्स, सो यहाँ पे बैग तो गाइज इन टाइम पंच हो चुका है मेरा, अभी पहुँच चुका ऑफिस में, थोड़ा काम करता हूँ एक्चुअली, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, आज छुट्टी का दिन है और पूरा ऑफिस खाली है, काम के लिए शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मेरा चार्जर है और हमें धीमी आवाज़ से बात करना पड़ता है, ये मेरा डेस्क है। करोना खत्म नहीं है रे बाबा, यहाँ से वहाँ से यहाँ ऑफिस। सो गाइज, अभी 1:30 बज गए एंड खाना खाने जाना है अभी। हम लोग के कंपनी के एचआर लोग कुछ ऐसे मेल वगैरह डालते हैं। सो आज है पारसी न्यू ईयर, डेली कुछ ना कुछ रहता है फेस्टिवल, सो दे पुट अ मेल लाइक दैट आल्सो स्टार्ट हिज डे विद अ ग्रेटफुल हार्ट। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने। मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, चाय पी के तो हो गया, अभी ऑफिस जा रहा हूँ ऊपर। हमारे ऑफिस में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप जाके फोन पे बात कर सकते हो, घूम सकते हो, ये एक्चुअली एक स्पेस था आप भी मिल सकते हैं फोन पे बात करके। सो गाइज, अभी नाश्ता वगैरह करके आऊँ नीचे से एंड 5:30 बज गए, अभी आधे घंटे में निकलना है घर के लिए, काम भी सब कंप्लीट करके निकलना है घर के लिए, फिर वही ट्रेन वगैरह पकड़ के घर पे निकलना है। बाकी यहाँ पे काम बहुत सारा हो चुका है अभी। गाइज, मैं काम करता हूँ, मैं एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से शूट, ये पॉसिबल नहीं होता। सो ऑफिस के काम मैंने कुछ दिखाया नहीं, बाकी अभी पौने छः, जब भी जाना होता है तभी वक्त गुजरता नहीं है। सो ठीक है, अभी काम वगैरह कंप्लीट करके निकलना है ऑफिस से और वही अपना ट्रेन वगैरह पकड़ना है। बाकी यहाँ पे मेरा चार्जर चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है और बाकी ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ मैं। और हालांकि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाकी कुछ रहेगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी 9 to 6 जॉब में ऐसे कुछ खासियत नहीं रहती, बस घूमना एंड ट्रैवलिंग का ही ज़्यादा का कंट्री रहता है, बाकी काम का कुछ स्ट्रेस नहीं रहता है, बस ट्रैवल का बहुत टेंशन रहता है मुंबई साइड में स्पेशली। सो बाकी अभी मैं हूँ नवी मुंबई में, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नवी मुंबई में काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे जाना है ठाणा स्टेशन, मतलब यहाँ से मुझे बेलापुर से मुझे ठाणे ट्रेन पकड़ना होता है, देन ठाणे से मुझे वापस कल्याण के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कल्याण में रहता हूँ गाइस, आपको पता नहीं होगा तो काम कंप्लीट करता हूँ एंड निकलते। सो गाइस, अभी काम तो हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ अभी घर पे, और सब भी
बज गए हैं 6:30 बजने को आए, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे। सो यहाँ पे बैग रखी थी, अभी वापस बैग में अपने चार्जर डालना है, बैग बंद करना है, निकलना है घर के लिए। छाता भूल गया भाई। सुबह अभी 6 बज गए हैं, मैं घर पे जा रहा हूँ। थक गए का मेरा ऑफिस के बाहर का नज़ारा है। मैं अभी निकल रहा हूँ स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन। ये बेलापुर स्टेशन है। सुबह से अभी पिकास है, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी। पहुँच चुका हूँ अपना बेलापुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से अपने पकड़ना है खाना ट्रेन। बहुत ज़्यादा रश है, सो मुझे अभी बैठने के लिए जगह मिल गई है ट्रेन में। शाम का वक्त है और बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ थाना स्टेशन पे, और यहाँ पे पब्लिक देख सकते हैं, उतरने वाली पब्लिक है और बाकी यहाँ पे भाग भाग के ट्रेन पकड़ने वाली पब्लिक है। सो मुझे भी उतरना है अभी। दैट्स इट इन दिस ब्लॉग। आई होप आपको ये 906 वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो आईटी लाइफ में लाइफ ऐसे ही रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।